साई ये लीजिए। तो ये वो तीन चीजें हैं जो पूरी तरह से तुम्हारी हैं। बिल्कुल साई। आपने क्या किया? ये एक ही कुर्ता था मेरे पास, यही एक जोड़ी चप्पल, और धान तो मैंने अपने बुरे समय के लिए बचा के रखा था। तो तुम्हें अच्छा नहीं लगा कि मैंने तुम्हारे इन चीजों को जला दिया? लेकिन जरा ये तो बताओ, तुम्हें ये क्यों लगता है कि ये चीजें तुम्हारी अपनी थी? क्योंकि कुर्ता मुझे भेंट स्वरूप मिला था और ये चप्पल मैंने खुद खरीदी थी, और धान वो तो मैंने खेतों में काम करके कमाया था। लेकिन कुर्ते के लिए कपास तो नहीं उगाया था तुमने, ना ही चरखे पे उसे काटा, ना कपड़ा बनाया और ना ही कुर्ता सिया था तुमने। और चप्पल के लिए चमड़ा किसी पशु से निकला था, और धान धरती से उपजता है, इसलिए इन तीनों में से किसी पर भी तुम्हारा पूर्ण अधिकार नहीं था। लेकिन इसके लिए मैंने मूल्य तो चुकाया था ना। मूल्य तो हर कोई चुकाता है, मूल्य तो वो अमीर भी चुकाते हैं जिसका धन, जिसकी वस्तु चुरा चुरा कर तुम गरीबों में बांट देते हो। हर अमीर को चोर समझना, ये समझना कि उसके पास जो कुछ भी है वो किसी गरीब से छीना हुआ है, ये कहां तक ठीक है? दो लोग एक बराबर मेहनत कर सकते हैं, लेकिन उनकी मेहनत का परिणाम भी बराबर हो ये तो जरूरी नहीं। अगर एक को ज्यादा मिल गया तो उस पर अपना अधिकार जताना, अपना हक जताना, ये न्याय नहीं है जीवा। मेहनत गरीब करता है तो अमीर भी करता है। अगर हर गरीब चोर नहीं होता तो हर अमीर भी चोर नहीं होता। अगर तुम एक से छीन कर दूसरे को देते रहोगे तो इससे समाज में कभी बराबरी नहीं आएगी। उद्देश्य चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन चोरी, चोरी पाप ही है। साई, आप सही कह रहे हैं साई, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। अब मैं कभी चोरी के बारे में सोचूंगा भी नहीं। लेकिन साई, मैं सच कह रहा हूं, उस रात मैंने कुलकर्णी के घर से संदूक नहीं चुराया। मैं गया जरूर था चोरी करने, लेकिन उससे पहले कुलकर्णी जाग गया और मुझे वहां से भागना पड़ा। तो उस रात कुलकर्णी के घर से तुमने कुछ नहीं चुराया था? साई, मुझे तो याद भी नहीं कि अंगूठी मैंने कब रख ली। जब बाद में ये जेब से मिली तब तक बहुत देर हो चुकी थी साई। सब लोग मुझे चोर समझने लगे थे, उस चोरी के लिए जो मैंने की ही नहीं। तो ये बात तुम्हें सबके सामने कबूल कर लेनी चाहिए थी। कौन विश्वास करता कि उस रात मैंने सिर्फ ये अंगूठी ली थी, वो भी गलती से। सब लोग मुझे संदूक का चोर समझने लगे। दूसरे के घर चोरी करने की हिम्मत है, लेकिन सबके सामने सच कबूल करने की हिम्मत नहीं।
तुम्हारी वजह से गांव के कितने निर्दोष व्यक्तियों को मार सहनी पड़ी। आप ही बताइए साई, मैं क्या करूं? मुझे एक बार और रास्ता दिखाइए। ये अंगूठी विष्णु को दे दो और उससे कहो कि चोरी के सामान के लिए वो गलत जगह ढूंढ रहा है। उसकी आंखें खोलकर उपकार करो उस पर। लेकिन साई, विष्णु तो पुलिस में है, अगर मैं अपना गुनाह कबूल करूंगा तो बाकी सारे गुनाहों का आरोप मुझ पर ही लगा देगा। उसका विश्वास पाना चाहते हो तो पहले उस पर विश्वास करो। यमुना और मेरी शादी, मुझे उस पर दोबारा विचार करना होगा। बेटा रोते नहीं है, आओ बैठो, बैठो। रोते नहीं है बेटी, अरे छोटी सी चोट है, तेरे बाबा अभी ठीक कर देंगे। हाँ एक ए, ए, ए। अभी ठीक हो जाएगा बिटिया रानी, अभी ठीक हो जाएगा। जाएगा मेरा बाबा, ठीक कर देंगे, सब ठीक कर देंगे। क्या हुआ यमुना? कुछ नहीं, थोड़ा हाथ जल गया था, लेकिन अब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। मेरी बहादुर बच्ची है तू, बहादुर। बहुत ज्यादा जल रहा है। सुख दुख आने जाने हैं। धूप यमुना बाबुराय मनवा तेरा उलझ न जा। आशा के दीपक बुझने न पाए। ये उन्होंने दिया था अपनी तरक्की के खुशी में, अब इसका क्या करूं? समझा वापस कर दूं? ओम साई ओम साई ओम साई सरकार सरकार ये आ गया। चोर सरकार। मैं विष्णु से मिलने आया हूँ। अरे लठे तो कहाँ मर गए सबके सब? क्या करें, पकड़ ले इसे। क्या पता कुछ छुपा के लाया हो तो कहीं हमें ही मार भर दे तो। जिसको सत्य की ढाल मिल गई हो उसे किसी लाठी का भय नहीं हो सकता। विष्णु कुलकर्णी। हरि ओम। क्या हो रहा है?
तुम्हारे चेहरे का भय देखकर मुझे अच्छा लगना चाहिए, लेकिन सच तो यह है कि मुझे कोई खुशी नहीं हो रही। क्यों आया है यहां? सुना है विष्णु तुम्हारे घर में रहता है और तुम उसकी सहायता कर रहे हो मुझे ढूंढने में। मैं आत्मसमर्पण करने आया हूं। अरे ओ, तो ये बात है, तू मुझसे सहायता मांगने आया है कि मैं तुम्हें विष्णु से बचाऊं और आत्मसमर्पण में तुम्हारी सहायता करूं, है कि नहीं? तुमसे सहायता मांगने के बुरे दिन ईश्वर मुझे कभी ना दिखाए। मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि साई ने मुझसे कहा है। साई ने इसे आत्मसमर्पण के लिए भेजा है, लेकिन इससे तो मेरी योजना खंडित हो जाएगी, खेल समाप्त हो जाएगा। बंदूक ले लो, उस दरवाजे के पीछे खड़े रहो, मैं जीवा को अंदर लेके आता हूं। जैसे वो अंदर आएगा गोली मार देना उसको। पुलिस को मैं ये कह दूंगा कि वो मुझ पर हमला करने आया था और मेरी जान बचाने के लिए मैंने गोली चला दी। हरिओम, जाओ जल्दी। तो तुम्हें विष्णु से मिलना है, आ जाओ। विष्णु ऊपर वाले कक्ष में है, मिलवाता हूं उससे तुम्हें, आओ। रुक जाओ। ये यहां क्या कर रहा है? विष्णु, मैं आत्मसमर्पण के लिए आया हूं। साई ने मुझसे कहा है कि मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूं। हरिओम, अद्भुत। विष्णु देख ली साई की अद्भुत चाल, इससे आत्मसमर्पण करवा के खुद संदेह के घेरे से दूर रहना चाहता है वो, ताकि वो अपना कार्य कर सके। असामाजिक तत्वों की रक्षा करने का कार्य, समाज में अराजकता फैलाने का कार्य। साई के विरुद्ध मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूं। वो संदूक कहां है? मैंने चोरी किया होता तो जरूर बताता। तुम उस रात तो मेरे पीछे थे ना, मुझे देखा था कोई संदूक ले जाते हुए। रात मैं बस ये लेके भागा था। मेरी अंगूठी, यही एक चीज मैं उस रात लेकर भागा था, वो भी गलती से। इस गलती की तुम जो सजा देना चाहो मैं तैयार हूं। विष्णु, ये साई की दूसरी चाल है। इसे कहा कि अंगूठे की चोरी स्वीकार कर लो ताकि अधिक दंड ना मिले और उसकी आड़ में सरकारी कोष की चोरी छुप जाए।
चिंता मत करिए कुलकर्णी सरकार, मैं जानता हूं गुनाह कबूल कैसे कराया जाता है। चल से एक पेड़ की लकड़ी से ही बहुत पैसे मिल जाएंगे। जिस पेड़ पे इनका घर था तुम उसे काटने वाले थे, और जब इन्होंने तुम्हें इनका घर गिराने से रोका तो तुमने इन्हें भी जला देना चाहा। मुझे क्या पता कि उसी पेड़ पर इनका घर है। अभी तक कितने वृक्ष काट चुके हो? अरे इसका हिसाब कौन रखता है? मैं लकड़ा रहा हूं, लकड़ी काटना मेरा काम है। लकड़ी काटी, शर्मी सेठ को बेची, पैसे लिए और चला गया। इतने वृक्ष काटे लेकिन क्या धरती को कभी एक भी वृक्ष वापस लौटाया? क्या कभी एक भी पेड़ लगाया तुमने? अजीबो तुम, जंगल में कोई जाता है क्या पौधा लगाने? जंगल तो होते ही काटने के लिए, और फिर अगर मैं पेड़ नहीं काटूंगा तो अपने परिवार को कैसे पालूंगा? अपने परिवार के प्रति दायित्व तो तुमने निभा दिया, लेकिन ये संसार, इस प्रकृति के प्रति तुम्हारा दायित्व, उसका कुछ नहीं। अगर धरती से केवल लेते रहोगे, कुछ लौटाओगे नहीं, तो एक न एक दिन इस प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा और उसका फल मिलना तुम्हें तय है। अरे, अरे, इनके हवाले छोड़कर मुझे कहाँ जा रहे हो? बचा लो मुझे, तुम जो भी कहोगे मैं वही करूंगा। एक वृक्ष काटो तो दो वृक्ष लगाओ, अपना और अपने परिवार का भविष्य ऐसे ही सुरक्षित होगा। मैं वचन देता हूं अब से ऐसा ही करूंगा। कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साई गान
अपने दायित्व के मार्ग को इतना संकीर्ण मत बनाओ कि उसमें तुम्हारे अपने स्वार्थ के अलावा किसी और के लिए स्थान ही ना रहे। अपनी भूख मिटाने की दौड़ में अगर प्रकृति के संतुलन को ताक पर रखोगे तो उसका दंड तुम्हें ही नहीं आने वाले भविष्य में पूरी मानवता को भुगतना होगा। सीधे द्वारका माई में मिलेंगे। मैं कैसे अकेले बेचूंगी? अरे तुम सब कर लोगी। सोचो, दिवाली का सोचो। घर में दिए चाहिए है ना? नए कपड़े चाहिए है ना? चलो चलो, समय नहीं है। तुम उस गली में जा, मैं उस तरफ जाती हूँ। जी जी। पर बहुत थक गई हूँ। पानी है? मिल गई तुझे? शिरडी में सबसे ज्यादा व्यस्त रहने वाली तू ही है। वो तो हूँ। ये देखिए मेरे मेहनत का फल। की दिवाली के लिए ये बस्ती में जो दिए जलाने हैं उसके तेल के लिए, और ये तुम्हारे लिए कफनी खरीदने के लिए। अरे चल दूर हो, यहाँ कहाँ चली आ रही है? निचली जाति की होके यहाँ पास आ रही है? मैं तो बस उपले। चल भाग यहाँ से। दिन भर यही करती रहेगी तो पढ़ाई कब करेगी? देखिए पाटी, जब भी मुझे समय मिलता पढ़ाई में मैं कमी नहीं छोड़ती हूँ। साई, मुझे एक मदद चाहिए। बोल। मुझे दिया बनाना तो आता है,
लेकिन बाती नहीं आती। तुम सिखाओ ना। तुझे दिवाली मनानी है ना, तो मैं मदद कैसे नहीं करूंगा, सिखाता हूँ तुझे। को लिया, हाथ पर रखा और ऐसे इसको घुमा दिया, एक बार और, बन गई बाती। ले अब तू भी बना। हाँ, ऐसे हाथ पर रखा और ऐसे इसको घुमा दिया। बन गया। शाबाश। साई, मुझे भी बाती बनाना सिखाइए ना। केशव भी होता तो कितना अच्छा लगता ना। हाँ, मैंने सुना है वो बहुत बड़े विद्यालय गया है, बहुत बड़ा आदमी बनेगा वहाँ से पढ़ के, है ना साई? लक्ष्मी, विद्यालय बड़ा है या छोटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि उस विद्यालय में पढ़ाने वाला अध्यापक, वो गुरु, अपने शिष्यों के जीवन में ज्ञान का दीपक जलाने के लिए कितना समर्पित है, कितना धैर्यवान है, और उस विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी, वो उस ज्ञान को पाने के लिए कितना उत्सुक हैं, कितना मेहनती हैं। मैंने सुना है जीवा पकड़ा गया है। उससे तुम्हें गया? नहीं, लेकिन वो संदूक नहीं मिला है ना। चोर मिल गया है, संदूक भी मिल जाएगा, जल्दी गया है। एक बात पूछूं? मरियम, वो संदूक हमारे घर में रखा गया था ना, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी तो हमारी ही थी। लेकिन जब से चोरी हुई है, मैं तब से देख रही हूँ कि आप उतने चिंतित, उतने परेशान नहीं है जितना कि आप आम तौर पे होते हैं। मैं परेशान हूँ कि नहीं, इसका प्रमाण पत्र अब मुझे तुमसे लेना पड़ेगा। मेरा मतलब मैं चुप बैठो। मैं तुम्हारा स्वामी हूँ स्वामी, इस घर में प्रश्न पूछने का अधिकार तुम्हें नहीं है रुक्मिणी।
देखिए साई, एक नहीं बेच पाई। ऐसे हम द्वारका माई और बस्ती की दिवाली के लिए पैसे कैसे जमा कर पाएंगे? तुम्हें मैंने जो औषधि दी थी वो खाई, तब तो तुम ठीक हो रही होगी। तुम्हें कुछ फर्क लग रहा है या नहीं? विश्वास रखो, विश्वास हो तो दुनिया में सब कुछ संभव है। समर्पण के नाटक का असली कारण क्या है? क्या है तेरी योजना? बता। मेरी कोई योजना नहीं है। बेवकूफ समझता है मुझे? तुझ जैसे विद्रोही इतनी आसानी से खुद चलकर पुलिस के पास नहीं आते। मैंने कहा ना, मैंने अपना आत्मसमर्पण सिर्फ साई के कहने पर किया है। उन्होंने मुझसे कहा मैं तुम्हारे सामने आकर अपना गुनाह कबूल करूं। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। बोल बोल साई तेरे साथ है, साई ने ही तेरे से चोरी करवाई है। बोल, वो विद्रोहियों के साथ है। अगर नहीं बोलेगा तो मैं तुझे इसी तरह मारता रहूंगा। ओम साई राम, 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 ओम साई राम। कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ, नजर रखना। मुझे इसकी हर एक खबर चाहिए, ये कहां जाता है, किससे मिलता है। पता है आज सुबह सुबह एक टोकरी उपले बेचे मैंने, अब मैं विद्यालय जा सकती हूँ। और तू अपने ऊपर विश्वास रख, कल जैसा नहीं होगा, आज तो तू उपले जरूर बेच पाएगी, डर मत, ठीक है? साई की दवाई लेती रहना, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं विद्यालय के बाद मिलती हूँ। द्वारका माई और पूरी बस्ती के लिए तेल लेना है, पता नहीं और कितने सारे उपले बेचने होंगे। मुझसे कौन खरीदेगा? मैं हकलाती हूँ, लोग मुझ पे हंसते हैं।
दिन ब दिन दिवाली करीब आ रही है, लेकिन मेरे पास बहुत ही कम पैसे जमा हो पाए हैं। गुरुजी से मदद लेती हूँ कि मुझे कितने उपले बेचने पड़ेंगे। जिप्री, छुट्टी के दिन भी आ गई, क्या बात है? मुझे आपसे कुछ पूछना है। पूछना है? पूछो, क्या पूछना है? एक टोकरी उपला छह आना, एक कनस्तर तेल एक सिक्का, छह कनस्तर तेल, क्या है ये? मुझे तेल खरीदना है, उसका हिसाब। मैं कुछ समझा नहीं। दिवाली आ रही है, मैंने सोचा है मैं दिवाली में वार कमाई और अपने बस्ती में दिए जलाऊंगी, उसके लिए मुझे तेल खरीदना है। तेल खरीदने के लिए मुझे कमाना पड़ेगा, और कमाने के लिए मैं तो सिर्फ उपले ही बेच सकती हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे दिवाली में तेल और दिए खरीदने के लिए कितने उपले बेचने पड़ेंगे? मैंने तुम्हें गुना करना नहीं सिखाया ना, इसलिए तुम्हें हिसाब करने में परेशानी हो रही है। लेकिन जिसमें तुम जैसी लगन हो वो औरों से सबसे पहले सीखेगी। कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है। छिपरी, पांच कनस्तर तेल के लिए तुम्हें कम से कम 500 उपले बेचने पड़ेंगे। 500 उपले? सच बोलने का फल है साई, मैं विष्णु की मदद करना चाहता था और उसने नहीं। जीवा, जैसे तुम भटक रहे थे वैसे ही वो भी भटक रहा है, तुम्हारी ही तरह वो भी सत्य का मार्ग खोज रहा है, बस उसकी दिशा ठीक नहीं है। धर्म की राह अधर्म की राह से हमेशा कठिन होती है, लेकिन धर्म के मार्ग की कठिनाइयों से भी हमें सुख मिलता है, संतोष मिलता है। साई, मुझे घाव दिख रहे हैं लेकिन इसकी पीड़ा महसूस नहीं हो रही है, बल्कि विष्णु जब मुझे मार रहा था इसका दर्द तो तभी मिट चुका था। एक वक्त के बाद ऐसा लगा कि कूड़े नहीं फूल बरस रहे हैं। हाँ साई, मैंने आपका स्मरण किया था,
मैंने आपका नाम लिया था साई, और पीड़ा उसी क्षण मिट चुकी थी। साई, आपने मेरी पीड़ा हरी रहा साई, बोलिए रहा साई, बोलिए रहा साई। अल्लाह भेजेंगे, फिर भी एक आना नहीं बनेगा। क्या बात है, तू उपले क्यों नहीं बेच पा रही है? तू चिंता मत कर, मैं जल्दी बेचूंगी। चंपा, तू साई पर आस्था तो रखती है ना? साई कहते हैं आस्था से आत्मविश्वास बढ़ता है। तेरे गुरुजी ने क्या हिसाब जोड़ा? तीन दिन में और कितने उपले बेचने पड़ेंगे? गुरुजी ने कहा है 5 कनस्तर तेल के लिए कम से कम 500 उपले बनाने पड़ेंगे। ऐसे तो इस साल भी हम दिवाली नहीं मना पाएंगे। लक्ष्मी, एकता में सबसे अधिक शक्ति है। यदि विश्वास ना हो तो अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर देखो। मैं समझ गई मुझे क्या करना है। मुझे लोग चाहिए, बहुत सारे लोग, लेकिन मेरी बात कोई नहीं सुनेगा। सब मुझे बच्ची समझते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ मेरी मदद कौन कर सकता है। यमुना से मिलकर मुझे विश्वास हो गया, इससे अच्छी लड़की मेरे बेटे के लिए हो ही नहीं सकते। यमुना और मेरी शादी, मुझे उस पर दोबारा विचार करना होगा। पता नहीं मेरी लड़कियों की शादी होगी भी या नहीं। इनको ऐसे देखने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। साई, मैंने कोशिश की लेकिन मैं वैसी नहीं बन सकती जैसा आप चाहते हैं। मुझ में वो हिम्मत ही नहीं है। मैं ऐसा निराशा भरा जीवन नहीं जी सकती हूँ साई। मेरा विवाह टूटा है तो इसकी सजा मेरे आई बाबा मेरी बहने क्यों भुगते? मैं ये होते हुए नहीं देख सकती साई, नहीं देख सकती। यमुना,
कैसी हैं आप? विश्वास नहीं हो रहा है कि आप हमारे घर आए हैं। विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? चंपा तो रोज मेरे पास आती है, हम साथ में खेलते हैं, साथ में खाते हैं, और मैं तो पूरे अधिकार से यहाँ आया हूँ। आप क्या यहीं खड़ा रखेंगी, अंदर नहीं बुलाएंगी मुझे? हाँ, आइए 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 साई, इधर। आप हमारे यहाँ आए हैं, पर हमारे पास तो आपके स्वागत के लिए कुछ भी नहीं है। है साई, लीजिए साई, रुको। मेरे साई ऐसे थोड़ी ना खा लेंगे, देखना पड़ेगा ना सबसे मीठा गन्ना कौन सा है। ये मीठा नहीं है। ये भी मीठा नहीं है। लीजिए साई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। ये क्या, आप इसका जूठा खा रहे हैं? जहां श्रद्धा सच्ची हो वहां झूठा कुछ भी नहीं। ओम साई, 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 ओम आज सुबह ही टूट आई है। मैंने सोचा कि मालसा पति जी से ठीक करवा लाती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है ये साई की कृपा है जो मैं समय पे आ गई, वरना बहुत देर हो जाती। देर तो हो चुकी है भाई साहब का, इतनी देर कि अब साई भी कुछ नहीं कर सकते। जहाँ उम्मीदें खत्म होती हैं वहीं से साई की कृपा शुरू होती है। इतने दिनों में इतना भी नहीं जाना तुमने, और जब मैं आई और जो तुम करने जा रही थी, अगर वो तुम्हारी आई और बाबा ने देखा होता तो उनपे क्या बीत दिया, ये नहीं सोचा तुमने? कितना प्यार करते हैं वो तुमसे। आप सही कह रही है भाई साहब का, ये मेरी ही गलती है, लेकिन अब मैं हिम्मत से काम लूंगी। भाई साहब का, किसी से कहिएगा मत कि मैंने ना, मैं किसी से कहूंगी और ना तुम ऐसा दोबारा करने की कोशिश करोगी।
मैं इन सारे घरों के कोने में दिए जलाऊंगी और इस पेड़ के चारों ओर रंगोली बनाऊंगी। साई, ये क्या कर रहे हैं आप? झिपरी तो पागल है, कुछ भी सपना देखने लग जाती है, लेकिन आप तो उसके सपने को हवा मत दीजिए। कि आप नहीं जानते कि हमारी जात के लोगों को दिवाली मनाने का अधिकार नहीं है? सपने देखकर उम्मीद के साथ जीना बेहतर है या सपने ना देखकर ना उम्मीदी के साथ? लेकिन साई, जो असंभव है उसका सपना क्यों? क्योंकि सपनों में असंभव को संभव करने की ताकत होती है। लेकिन जिस दिन झिपरी का ये सपना टूटेगा ना, उस दिन उसे समझ में आएगा। साई, मैं चंपा का पिता हूं। मैंने सुना है ये द्वारका माई जाती है दिए बनाने। साई, हम छोटे लोग हैं, बड़े मुश्किल से पेट भरने लायक कुछ कमा पाते हैं। ऐसे में छोटे घर की लड़की ऊंचे घरों की लड़कियों जैसा बनने का सपना क्यों देखे? जहां इतने साल दिवाली नहीं मनाई तो अब क्यों मनाए? यहां कौन कौन सोचता है कि वो दिवाली नहीं मना सकता? हम अछूत है साई, हमारे पूर्वजों ने कभी दिवाली नहीं मनाई। अछूत क्यों? साई, हम वो काम करते हैं जिन्हें ये समाज करना नहीं चाहता। जैसे कि मैं शमशान में दाह संस्कार करता हूं, मैं मरे हुए पशुओं को सड़क से उठाता हूं, तुम दाह संस्कार में सहायता करके आत्मा को मुक्त करते हो। ये लो, ले लो। सड़क से मरे हुए पशुओं को हटाकर शिरडी को साफ रखते हो। ये स्वीकार करो, ले लो। मेरे पास बस इतना ही शेष है, सब रख लो तुम। समाज में कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। समाज को अच्छे से चलाने के लिए हम सब अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। किसान फसल उगाता है, ग्वाला गाय दूहता है, कोई सड़क की साफ सफाई का कार्य कर रहा है, बस सब बराबर ही तो हैं। और अगर इनमें से कोई भी अपना कार्य सही से नहीं करता तो कष्ट हम सबको होता है। दिवाली तो भगवान राम के अयोध्या वापस लौटने पर मनाई गई थी, क्या उस समय भी ऐसा ही हुआ था? नहीं, दिवाली तो पूरे अयोध्या में मनाई गई थी, हर वर्ग के व्यक्ति द्वारा। साई, ये बात सुनने में अच्छी लगती है, क्योंकि हम लोग अछूत हैं और ना ही ये राम राज्य है। राम राज्य?
राम राज्य वही है जहां बराबरी हो, जहां निर्दोष को किसी का डर ना हो, जहां हर इंसान अपना सर उठा के चल सके। और ये तीनों तभी संभव है जब तुम लोग चाहो। अगर राम जी की अयोध्या को धरती पर लाना है तो तुम सबको दिवाली मनानी ही होगी, नहीं तो ये दिवाली अधूरी है। बोलो जय श्री राम, 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 जय श्री राम। अल्लाह मालिक, मुझे तो लगता है हमारी बस्ती में बहुत लोग समझ गए होंगे दिवाली क्यों मनाए। जानती है, एक दिन तेरी बस्ती के लोगों को तुझ पर गर्व होगा, क्योंकि तूने ये सिखा रही है कि मेहनत करने से कुछ भी मुमकिन है। मेहनत तो सब करते हैं हमारी बस्ती में, लेकिन सपने नहीं देख पाते, क्योंकि उन्हें लगता है सपने सच नहीं होते। लेकिन आज आपने उन्हें सपने देखने की हिम्मत दी है। बिल्कुल सही कहा। तो अछूत, आंखें नहीं है क्या? मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो माफ कर दूं तुझे? तू जैसो की तो टांगे तोड़ देनी चाहिए ताकि किसी और को दूषित नहीं कर सके। ठहर जा। तेरे जैसे लोगों की वजह से समाज में गंदगी फैलने लगी, और या तू चाहता होगा कि तेरी तरह सब 108 बार स्नान करें जब तुझ पे मिट्टी फेंकी गई थी। लेकिन लक्ष्मी मिट्टी नहीं है, वो चंदन है। ये चंदन तुझे मुबारक। अरे, चोर लुटेरों को शरण देने वाला हमें समझाने चला है। क्या मैं जानता नहीं हूं कि जीवा को तूने उकसाया? अब शायद इन नीच जाति वालों को डाकू बनाने की शिक्षा दे रहा होगा। साई मेरे कहने पर मेरे बस्ती में आए थे, बस्ती के लोगों को समझाने के लिए कि उन्हें दिवाली मनानी चाहिए। दिवाली अछूतों की बस्ती में? चलो लक्ष्मी, कुलकर्णी सरकार को यह खबर देनी ही होगी। कुलकर्णी सरकार, क्या हुआ गंगाराम जी, क्यों चिल्ला रहे हैं? कहाँ है कुलकर्णी सरकार? वो तो पास के गांव गए हैं किसी का इलाज करने के लिए। अब तो वो कल ही मिल पाएंगे। सरकार आजकल दूसरे गांव के बारे में ज्यादा ही सोचने लगे, और अपने गांव में क्या चल रहा है ये उन्हें पता ही नहीं चल रहा। क्यों, ऐसा क्या हो गया? मुझे पता चला है कि इस बार नीची जाति वाले हमसे बराबरी करने वाले हैं। खंडर और नीची जाति वाले लोगों की बस्ती में इस साल दिवाली मनाई जाएगी। क्या बात कर रहे हैं आप गंगाराम जी? और जानते हो इस सब के पीछे कौन है? वो गोबर बेचने वाली अछूत लड़की जिपरी, और ऊपर से साई उसका साथ दे रहा है। अगर अधर्म इस तरह सर चढ़ के बोलेगा तो धर्म का भ्रष्ट होना तय है, तय है। सब मेरी बात सुनो, मैं चाहती हूँ इस दिवाली हम सबके घर में दिए जले, लेकिन उसके लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी मिलजुल के। मैं जानती हूँ आप सबके पास बहुत सारा काम होता है, लेकिन हम बच्चे तो समय निकाल सकते हैं ना? मैं भी मदद करूँगा जिपरी, मुझे भी दिवाली मनानी है। मैं भी मदद करूंगा,
मैं भी हम भी मदद करेंगे। आ मेरे साथ। ओ कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है, जो कुछ है हाथ में तेरे एक यही पल है, अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। अंता जी, ये जिपरी कुछ ज्यादा ही फैल रही है दिवाली मनाने के लिए। हाँ अंता जी, बहुत सताया उस लड़की ने हमें, यही मौका है हम भी देखते हैं कैसे मनाती है दिवाली अपनी बस्ती में। चलिए। हमें सुबह तक रुकना होगा, फिर उपले बनाकर धूप में सुखा पाएंगे। कल सूरज सालों की प्रतीक्षा पूरी करेगा, मुझे तो लग रहा है अब सब अच्छा होगा। सूरज निकल आया है, चलो चलो सब जल्दी चलो, बहुत सारे उपले बनाने हैं, कल दिवाली है। जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है, जो कुछ है हाथ में तेरे एक यही पल है, अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। क्या लग रहा है अंता जी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है पंता जी, इस जिपरी को मजा कैसे चकाया जाए। गोबर तो खत्म होने आ रहा है, हमें और गोबर चाहिए, उसके लिए हमें गांव जाना होगा। गांव जाना होगा? उपाय मिल गया अंता जी, इस झिपरी का खेल खराब करने का उपाय मिल गया। ये दो औरतें कौन थी? चलो गांव चलते हैं। कुलकर्णी सरकार ने सबको फिर से क्यों बुलाया? अरियो कल दिवाली है, दिवाली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, इस दिन प्रभु रामचंद्र अयोध्या लौटे थे, लेकिन किस मुंह से माता लक्ष्मी को हम आवाहन करेंगे जबकि हमारे ही गांव से राजकोष चोरी हुआ है? कैसे करेंगे ध्यान प्रभु रामचंद्र जी का जबकि किसी को बचाने के लिए हम अधर्म का साथ दे रहे हैं?
जैसा कि आप सब जानते हैं, उस रात जीवा चोरी के बाद सीधा द्वारका माई गया था साई से मिलने, और जिस दिन हमने उसे पकड़ा उस दिन भी वो साई से मिलने गया था। और ऐसा हो नहीं सकता कि साई जीवा के बारे में जानता नहीं हो, लेकिन हमें प्रमाण चाहिए। बिना प्रमाण के हम साई को गिरफ्तार नहीं कर सकते। हरिओम हरिओम। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, अगर तुम हमें प्रमाण लाकर देते हो तो राजकोष की भरपाई तुम लोगों से नहीं ली जाएगी। लेकिन तुम में से किसी ने हमारी मदद नहीं की, इसलिए अब हर घर को 10-10 रुपए भरने पड़ेंगे, और वो भी कल तक। सरकार, सरकार, मैंने पूरी जिंदगी में 12 आने से ज्यादा नहीं देखा है सरकार। वो मैं 10 रुपए कहां से दूंगा सरकार? 10 रुपए मेरे लिए भी बहुत बड़ी रकम है, तो बाकी सबका क्या होगा, कहां से दे पाएंगे? अंग्रेज सरकार के सामने पूरी शिरडी की नाक कटेगी। एक तो हम उनका पैसा नहीं लौटा रहे और ऊपर से चोर को शरण दे रहे हैं। सरकार, 10 रुपए हम कहां से लाएंगे? हम बर्बाद हो जाएंगे सरकार। एक विकल्प है जो मैंने पहले भी दिया था, बचोगे अगर प्रमाण लाते हो साई के विरुद्ध। अंता जी, एक समस्या है, गोबर को छू भी लेता हूँ ना तो पूरे शरीर में खुजली होने लगती है, उसकी महक सही अच्छी छींक आनी शुरू हो जाती है। तो आप गोबर कैसे उठाएंगे? वही तो, गोबर तो आप ही को उठाना पड़ेगा। अंता जी, ये काम हम किसी और से भी तो करवा सकते हैं ना, क्योंकि पूरा का पूरा गोबर मुझे ही उठाना पड़ेगा। समझते क्यों नहीं आप अंता जी, उस जिबरी को हराया तो मतलब उस साई के खंडर में भी दिवाली नहीं मनाई जाएगी, समझे आप? इतनी बड़ी उपलब्धि होगी ये, सरकार भी हमसे बहुत खुश होंगे, इनाम देंगे हमें, और आप है कि ये मौका किसी और को देना चाहते हैं। बात तो आप ठीक कर रहे हैं पंता जी, तो जाइए उठाइए उठाइए। हाँ हाँ, पंता जी, ये जिपरी है ना, हमारे लिए कोई ना कोई मुश्किल खड़ी कर ही देती है। हाँ हाँ, लेकिन इस बार हम हार नहीं मानने वाले, उठा उठा उठाइए। चलो चलो चलते हैं। चलिए। हमने पूरे गांव से गोबर हटा दिया, झिपरी अब मैं भी देखता हूं कि रूपले कैसे बनाती है। भिक्षा दे माई, भिक्षा दे माई, अल्लाह मालिक। इनकी वजह से एक नई बला पड़ी हमारे सर पर। लेकिन क्या गलती इनकी है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा तो मन था कि कोई भी कहानी बना दूं साईं के विरुद्ध,
और कुलकर्णी सरकार को बता दूं, 10 रुपए बच जाएंगे। अरे चंदू, जब तेरा बेटा बीमार था तो साई की वजह से अच्छा हुआ, ऐसे कैसे झूठ बोलकर तू इन्हें फंसा सकता है? चंदू की बात झूठ ना बोलने की वजह है, लेकिन बाकी गांव वालों को क्या, वो तो पहले अपने आप को बचाएंगे। पता नहीं साई कब तक सुरक्षित है यहाँ। रिक्शा तो भाई, भिक्षा दो माई। भिक्षा दे माई, 10 रुपए का जुर्माना लगवा के भिक्षा मांग रहे की वजह से पता नहीं कल घर में खाने को कुछ बचेगा भी या नहीं। अब द्वार पे आए हैं तो खाली हाथ जाने नहीं दे सकते ना, भोजन तो नहीं दे सकते, पर हमारे पास फटा कंबल है वो तो दे सकते हैं। कंबल की कुछ जरूरत नहीं है, ये बोरिया ये दे दो। इसमें तो गुड़ लगा हुआ है, मैं इसे धो के देती हूँ। नहीं माई, भिक्षा में जो कुछ भी मिले वो ईश्वर की देन है, मैं इसे ऐसे ही स्वीकार करता हूं। इतनी सारी जगह देखा लेकिन कहीं नहीं मिल रहा है गोबर। जिप्री जिप्री, कहीं नहीं मिला गोबर। जिप्री, मुझे भी नहीं मिला। मुझे भी नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है? जिप्री, आज अगर गोबर नहीं मिला तो फिर कब उपले बनाएंगे और कब बेचेंगे? हाँ जिप्री, एक काम करें, हमने अब तक जितने भी उपले बनाए हैं उन्हें बेचकर उन पैसों से तेल खरीदकर काम चलाए तो। नहीं, उतने जल से काम नहीं बनेगा, मैं पूरी द्वारका माई को रोशन करना चाहती हूँ और अपनी बस्ती में सारे घरों में दिए जलाना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये होगा। साई कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो अब करें क्या? सारी तैयारियां छोड़कर ऐसे बैठना अच्छा नहीं है। अगर अचानक सब ठीक हो गया तो जो तिथि निकली है उसमें विवाह कैसे होगा? आपको अब भी लगता है कि विवाह होगा? अगर विवाह नहीं होना होता तो साईं कभी नहीं कहता। वो विष्णु के पिता को उस रात आपके घर का मार्ग कभी नहीं दिखाता। अल्लाह मालिक। साईं, अब तुम्हें इन्हें समझाओ कि ऐसे हिम्मत तो ना हारे। सपनों के पूरा होने के लिए सपने देखना जरूरी होता है और उम्मीदों के पूरा होने के लिए उम्मीद रखना। अगर अपने बारे में सोचना ही है तो अच्छा क्यों ना सोचें? लेकिन कोई संकेत तो मिले साईं कि सब ठीक हो जाएगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं।
अल्लाह मालिक। चलो चलो जल्दी से उपले बेच के आते हैं। हाँ चलो चलो, चलो। गौ माता हमारी सहायता करिए। हमारे हाथ जोड़ने से ये गोबर कैसे देगी? चलो चलो सब हाथ जोड़ो और प्रार्थना करो गौ माता से। गौ माता थोड़ा सा गोबर दे दो। गौ माता थोड़ा सा गोबर दे दो। गौ माता थोड़ा सा गोबर दे दो। भिक्षा दे माई। अरे नहीं चाहिए तुम्हारे उपले। यहाँ 10 रुपए के लिए पहली तलवार लटकी हमारे गर्दन पे, पता नहीं वे कहां से चुकाएंगे। जाओ। भिक्षा दे माई। अल्लाह मालिक। ये हार बहुत ही सुंदर है ना? बहुत अच्छा लगेगा उस पर। मालसा पति जी हैं? नहीं। मैं महाराज हूं। यमुना बिटिया की विवाह में खाना बनाने के लिए बुलाया था मुझे। आधे पैसे भी दे चुके हैं वो। मैं यहाँ पर ये देखने के लिए आया हूँ कि मुझे क्या क्या तैयारियां करनी है। यदि विवाह नहीं हुआ तो हमने आपको जो पैसे दिए हैं वो आप वापस लौटा देंगे। अब आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, महासापति जी बस आते ही होंगे। आप बैठिए ना। यमुना बेटा महाराज के लिए पानी लाना। जी भाई साहब का। नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। लो ना उपले। नहीं चाहिए, बोला ना एक बार, जाओ यहाँ से। जगह है जहाँ उपले बेचने की उम्मीद है। आओ मेरे साथ। महाराज जी को बिठा के रखने से क्या लाभ होगा? मान और प्रतिष्ठा का नुकसान तो हो ही रहा, लेकिन जो पैसे दिए जा चुके हैं वो वापस मिल जाते तो। जब साईं ने कहा है विवाह होगा तो होगा। विश्वास रखने के लिए कोई एक संकेत तो मिले, ऐसा संकेत कि साईं ने जो कहा है वो सत्य होगा। साईं का आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा। अरे शादी में खाना बनाने वाले महाराज बैठे हैं यहाँ तो। आपको उपले चाहिए होंगे ना खाना बनाने के लिए? हमारे पास 500 उपले है। अच्छी बात है, हमें लगभग 500 उपले ही चाहिए।
आपने उपलोक का प्रबंध कर दिया, अच्छा किया। अब कोई बाधा नहीं आएगी काम में। और हाँ, हमें एकदम सूखे उपले चाहिए। अभी तो इतने ही हैं जो पूरी तरह से सूखे हुए हैं, बाकी के सूख रहे हैं जो मैं कल ले आऊंगी। वैसे क्या क्या पकवान बनाएंगे आप शादी के लिए? यमुना दीदी, हमारे लिए थोड़ा सा बचा के रखोगी ना? यमुना दीदी, सिर्फ आपकी शादी के वजह से हमारे सारे उपले पीक गए। अब पूरी द्वारका माई और हमारी बस्ती में पहली बार दिवाली मनाएंगे हम। ये उपले बेच के तेल खरीदेंगे दियो के लिए। संकेत चाहिए था ना आपको? देखिए, आपने सोचा तैयारियां रोक देंगे, लेकिन इंतजाम तो फिर भी होता ही जा रहा है। इन बच्चों के चेहरों पर उत्साह देखिए, जैसे आपको विश्वास दिलाने आए हैं कि सब अच्छा ही होगा। झिपरी बेटा, अब हमें ये उपले चाहिए। हमें सारे उपले चाहिए। यमुना को बेटी माना है मैंने, उसके विवाह में मेरी एक मांग है, आप मना नहीं करेंगे? बाजाका, आपको पूरा अधिकार है। उपलों के पैसे मैं दूंगी। वैसे भी ये विवाह का घर है, यहाँ सजावट हो रही होगी, तो आप उपले रखेंगे कहाँ? इसलिए मैं ही रखवा लूंगी। जैसे जैसे जरूरत होगी मैं भिजवाती रहूंगी। बाईजाका, मैं कल तक सारे उपले पहुंचा दूंगी। और महाराज जी, वो भी सूखे हुए। कल बचे हुए उपले देने के बाद हमें पैसे मिल जाएंगे और हमें दिवाली मनाने से कोई नहीं रोक पाएगा।